हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पापा जा चुके हैं और घर खाली हो चुका है, लेकिन मेरे घर में हो रहा है दूसरा काम, तो मैंने कहा चलो वीडियो शूट करते हैं, अपने रेगुलर काम में लग जाते हैं। पूरे घर में बच्चों ने फैन चालू करके रखा है। हो गया गिरिराज, हो गया। और ये रूम मेरा हो चुका फाइनल, पुट्टी जो है ना वो हो चुकी पूरे रूम में, और आज मैं इसको करूंगी सेट। अरे मोलू, बाहर से खोलना बेटा दरवाजा, सीढ़ी का दरवाजा खोल। और मेरी स्लीपर कहाँ? बाहर है बेटा। मेरी स्लीपर वो देना बेटा सीढ़ी पे से, धूप आ रही है सीढ़ी पे। क्या परेशानी है? दुकान ऊपर लेकर, मेरी दुकान पता है किसको बोल रहे हैं? मेरे ना वो ये प्लांट का जो गम्बो रखा ना स्टैंड, इसको बोल रहे हैं मेरी दुकान। तुम भी मेरी दुकान के ग्राहक हो, चलो ले। हाँ मेरे घर में ही रहते हो तुम। ले जाऊंगी साड़ी पहन के जा रही, इतना सारा नहीं ले जा पाऊंगी। देखो आ गया ना मेरा कपड़े का स्टैंड यहाँ पे, अब यहाँ रहेगा ये। इधर धूप भी आती है, अच्छे से कपड़े सूखते रहेंगे। और मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि ऊपर रूम में हो रही है पुट्टी, तो पूरा फिर से फैल गया। कल साफ करके गई, आज फैल गया पूरा। हो गया गिरिराज, कहाँ ऊपर कर रहा है? ओहो तूने ऊपर भी कर दिया, मैं भी देख के गई थी तब नहीं हुआ था। क्या उससे घिसा था तूने? ये रहती घिसी थी, गर्मी कितनी है ऊपर रूम में, इसे पंखा लगा हुआ आ नहीं रहा है, उसके घर में काम चल रहा है। देखो मेरे ऊपर वाला रूम बिल्कुल उसकी शक्ल बदल गई, पट्टी हो गई। देखो अरे कर रहा है गिरिराज पट्टी, यहाँ रख देती हूँ, यहाँ से दिखता रहेगा। ऊपर है गया ना बस, आ जा रही दीवार। अब इसमें सिंगल आप करके छोड़ेगा कि कल को डबल करेगा? सिंगल करेगा, डबल कम करेगा। काफी चीजें यहाँ पर मैं अपने रूम अपने घर की ला के रख सकती हूँ। खिड़की दरवाजे पुट्टी सब हो गया, बस लाइट की रह गई है फिटिंग, तो तार वगैरह सब पड़े हुए हैं, लेकिन बस अभी आया नहीं है जो लाइट वाला है ना अरविंद, वो आया नहीं है। मैंने कहा चल दिखा दूं, और किसी से भी पुट्टी करा ले, लास्ट में तू ही आया मेरे नसीब में। किसी से भी है काम वही हुए, तूने भी न करे दिखा है, मैंने भी दिखाए, काम वही हुए जो होने थे। नीचे आते हैं ना पानी वाले, ये बोलते हैं कोई पानी पिला दो, अब गर्मी है भैया, पानी तो पिलाना पड़ेगा लोगों को। ला रही हूँ, गूंगा आया था अभी दोपहर में भी आया था गूंगा। अरे मेरे तुलसी के पौधे में पानी नहीं डाला है मैंने। चलो चलो चलो, चलो। पानी डाल के आऊं तुलसी के पौधा में। हो ही जाते हैं बर्तन, कितना भी करो साफ लेकिन बर्तन रह जाते हैं,
और पूरा घर मेरा बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि आज है ना सुबह से लगी थी सफाई में। ये अलमारी साफ, अंदर वाली अलमारी साफ, जो एक्स्ट्रा के कपड़े हैं वो सारे निकाल के यहाँ डाल रहे हैं। अभी उनको प्रॉपर जगह में रखने का टाइम नहीं मिल पाया है। फिर थोड़ा बहुत मैं इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने लगी, बोर हो गई थी घर का काम कर करके, थक गई थी, तो फिर मैं वीडियो बनाने लगी। और अभी बर्तन मांज दिए, काफी देर हो गई है, अभी आटा लगाया है, रोटियां बना ली, सब्जी बना चुकी हूँ, तोरई की बनाई थी, इसके लिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। और वैसे भी अभी गर्मी आया ना, तो मेरे घर में लौकी तोरई ज्यादा खाई जाती है। तो बस अब बना दूंगी फटाफट से रोटियां, उसके बाद करूंगी मैं अपने रूम को सेट। कह तो दिया है लेकिन पतिदेव साथ नहीं दे रहे, अब इतने बड़े बड़े सोफे मैं अकेली तो उठा नहीं पाऊंगी। सुबह से कह रही हूँ कि जे करवा दो, लेकिन नहीं सुन रहे। सुबह मैंने आज पता है क्या क्या बनाया था, इडली बनाई थी, और जो उत्तपम बनाते ना वो बनाया था, आरू के लिए इडली बनाई थी, मोलू के लिए, आप सबको पता है दोनों को ये चीजें बहुत पसंद है, हमारे लिए सब्जी रोटी ही और उसी के सारे बर्तन धो के रखे हैं, कुकर इडली का वो रखा धो के। लेकिन पता है वीडियो शूट करना ही भूल गई मैं, क्या करूँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अब रोटियां बना के जल्दी से रख दूं, उसके बाद लगूंगी घर की सफाई, क्योंकि एक साथ है ना गर्मी में इतना काम नहीं होता है। पर आज शौक में साड़ी तो पहन ली, लेकिन हालत खराब हो रही है, गर्मी लग रही है। गर्मी है, मस्त पसीना आ रहा, देखो बूंदे। पहले मोलू को खाना खिलाऊं, लौकी की सब्जी, घिया की सब्जी से नहीं, तोरी की सब्जी से। चल आजा, चल मैं खाना खिलाऊं, आप बैठ। अच्छा। तो अभी मोलू को सुला के आती जा रही हूँ, बोला था मम्मी नींद आ रही है, खाना पीना खा लिया, उसको सुला दिया, और अब हम लोग करेंगे घर का मेकओवर, क्योंकि हमको ये सोफे वगैरह उठा के उस रूम में ले जाने हैं, बाहर वाले में, और बच्चे जगते हैं ना तो फिर इस तरह का काम है ना हो नहीं पाता, वो करने नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि चलो अब ये दोनों सो गए, हम शांति से अपना ये काम करते हैं, और सुबह बच्चों को लिए, बच्चों को ना सरप्राइज मिल जाएगा, अरे मम्मी हमारे सोफे काम गए है ना। तो मैंने कहा चलो अपन दोनों मिल के ये काम कर लेते हैं, क्योंकि इनके बिना ये काम तो होगा नहीं, सोफे उठाने हो भी जाएगा फिर मुझे सरकाने पड़ेंगे, और अगर मेरी कमर में दर्द हो गया तो। इसलिए मैंने कहा चलो कितने हैंडसम लग रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बना के चिकने चिकने होके आए हैं, ऐसे रहते नहीं है कभी। और रात के बज रहे हैं 10:30, 10:30 बजे हम लोग करेंगे अपने घर रूम का मेकओवर। तो चलिए करते हैं फटाफट से, चलो सोफे सरकाना शुरू करें, चलो। तो रात को मिलके हम दोनों लग गए हैं अपने घर के मेकओवर में। आप लोग कहोगे रात को दीदी मेकओवर कर रही हैं, तो वो सब मैंने बता ही दिया क्यों। तो बस यही है कि वो रूम हमने इसी पर्पज़ से बनाया था कि हमारे घर में ना बैठक रूम नहीं था, कोई भी जेंट्स आता था तो वो सीधे घर में अंदर तक आता था, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि जो लिविंग रूम होता है ना वो घर की एंट्रेंस में हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से और इसी हिसाब से है ना हमने अपने पुराने वाले लेट बाथ तुड़वा के और इस रूम को बनवाया। अब आप लोग समझ गए होंगे ना कि मैंने इतना सब कुछ, यानी मैंने क्या, मैंने और जैने इतना सब कुछ क्यों करवाया, क्योंकि जैसे ही घर में से कोई बाहर से जेंट्स आता था तो सीधे अंदर तक जाता था, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि ऐसा ठीक नहीं लगता। और अब ये है कि बाहर मेरा लिविंग रूम हो जाएगा, किसी भी गेस्ट को आना है आए, बैठे, चाय नाश्ता करे और आराम से जाएं। उसमें क्या होता है कि घर में अंदर जो प्राइवेसी होती है ना वो भंग नहीं होगी। सो, बस इसी वजह से फाइनली मेरा ये रूम बन चुका और पुट्टी भी हो चुकी, अब इसको हम लोग सेट कर रहे हैं। लेकिन वो है कि इसका मेकओवर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, जैसे कि ये जो किचन वाली विंडो है अभी इस पर टाइल्स लगना बाकी है, और हो सका तो विंडो बनवाऊंगी कांच वाली या नहीं अभी कुछ डिसाइड नहीं है। और ये जो लोहे वाला चैनल है ना जिसको आप लोग कह रहे हो कि दी आप इसको निकलवा दीजिए, तो डियर ये अब नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पहले मैंने निकलवा दिया था लेकिन आपके भैया ने इसको वापस लगवा दिया, और अब इसको निकालने जाएंगे ना तो रूम की टाइल्स वगैरह सब टूटेगी। सो अब ये पॉसिबल नहीं है, अब तो बस वही है कि इसको कलर कर देंगे, और हाँ इसके सामने पर्दे वगैरह लगा के मैं इसको हाइड कर दूंगी तो ये दिखाई नहीं देगा, और ये सेफ्टी पर्पज़ से लगे हुए हैं। सो मैंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं है,
तो फिलहाल के लिए तो हम लोग अभी सोफों को बाहर रख रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो रूम है ना ये हो जाएगा फिर मेरा खाली, और एक से दो रूम अब मेरे पास हो जाएंगे, थोड़ा सामान भी सेट हो जाएगा घर में, जो हर वक्त बिखरा रहता है बच्चों का सामान उसको मैं सेट कर पाऊंगी। लेकिन सारी चीज़ों को प्रॉपर रखने के लिए अभी बहुत खर्चा करना पड़ेगा, कुछ कैबिनेट वगैरह लाने पड़ेंगे जिनके लिए अभी मेरा बजट ठीक नहीं है, सो अभी मैं उनको नहीं लाऊंगी। लेकिन हाँ, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं इनको ला सकती हूँ तो मैं ज़रूर लाऊंगी, और उसके बाद ही मेरा रूम और मेरा घर है ना अच्छे से सेट होगा। सो बस अभी तो यही है कि धीरे धीरे करके सेट कर रहे हैं, और जो भी कर रही हूँ वो आपके साथ में शेयर भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो पलंग हम लोग रखते थे टेम्परेली, जो हमने रख रखा था, अब उसको हम लोगों ने अंदर रख दिया है, और यहाँ पर तो केवल सोफे और कुछ डेकोर के आइटम ही रहने वाले हैं। अभी कुछ भी मेकओवर नहीं है, बस सोफे यहाँ पर आ गए हैं फिलहाल के लिए, और अभी हम दोनों बैठ के सोच रहे हैं कि क्या करें, सोच लेते हैं फिर आपसे बात करेंगे। तो इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मेरा घर बन ही गया, और बहुत खर्चा भी हुआ इस घर को बनवाने में, लेकिन आज जाकर मेरी मेहनत यानी हमारी मेहनत, मेरी और जय की मेहनत सफल हुई, कि जिस पर्पस से हमने घर को बनाया था आज वो कहीं ना कहीं सफल हो गया, और आज हम लोगों ने सुकून की सांस ली, सुकून के पल जिए, कि जिस चीज़ से इतना खर्चा किया था आज फाइनल वो दिन आ गया कि ना मेरा लिविंग रूम यहाँ सेट हो गया। तो होता है ना, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना बहुत मायने रखती हैं, और इन खुशियों को पाने के लिए हम दोनों ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर आज ये दिन हमको नसीब हुआ है। मेहनत भी बहुत की है, और अपना बजट एक एक पैसा कहते हैं ना जोड़ जोड़ के अपना घर बनाया है, सो वो दिन बहुत याद आएंगे। अभी फिलहाल के लिए तो इस तरह से रख दिए और ऐसा ही अच्छा लग रहा है, इसके अलावा बिल्कुल भी कहीं अच्छा नहीं लग रहा। ये वाला पॉइंट मेरा टीवी का है, यहाँ पर आएगी बड़ी सी टीवी, कब आएगी अभी कुछ नहीं पता है, और यहाँ पर देखेंगे कुछ थोड़ा बहुत, मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्नीचर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर स्विच बोर्ड है, सोचती तो बहुत कुछ हूँ फिर हो नहीं पाता। अब बताएं, इसमें भी देखो अच्छे से सोफे सेट नहीं हुए हैं, और अंदर वाले रूम में आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए वो बाहर पलंग था ना अभी तो वो डाल दिया है, और एक ऐसा पलंग एक और रखा है वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी बैठने उठने के लिए हो जाएगा दिन में, और फिर भविष्य में देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो हमारे पास बजट नहीं है कि हम कुछ करें,
सो अभी तो जितना है उतना कर दिया और अब मिलेंगे सुबह, क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज। ये खुल गई है कि खोल दी है? खुल गई है। मुझे लग रहा है ये ऑटोमेटिक खुल जाती है ना? तो अच्छा फोन चार्ज हो गया इसी वजह से। सो चलो गुड नाइट बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो को एंड करूंगी तो पहले कह देती हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो लाइक कर देना, नए हैं तो भी कर देना, और प्लीज हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। और जब फुल्ली मेकओवर करूंगी ना, अभी तो बाकी कलर वलर बहुत कुछ बाकी है, अभी फुल करूंगी, जब अच्छे से मेकओवर करूंगी तो फिर बताऊंगी। ठीक है, सो बाय, आई लव यू, गुड नाइट।